डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। पुलिस मित्र टीम को फोन पर सूचना मिली कि जमनी कुंड रोड पर रिटायर्ड आईजी कल्याणमल शर्मा के घर एक बड़ा स्पेक्टिकल कोबरा सांप देखा गया है। इस पर थानाधिकारी राजेश मीणा ने इंचार्ज अमित भट्ट को रेस्क्यूअर के साथ तुरंत मौके पर भेजा। करीब 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप दीवार के पास बने एक बिल में छुप गया, जिसे पुलिस मित्र टीम ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद हाथों से ही पकड़कर अपने बैग में डाल लिया। कोबरा सांप बेहद तेज तर्रार व आक्रामक था। इसके पश्चात स्पेक्टिकल कोबरा सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। अमित भट्ट ने बताया कि स्पेक्टिकल कोबरा सांप बेहद जहरीले होते हैं। इन्हें खतरा महसूस होते ही अपने बचाव में ये फन फैलाकर हमला कर देते हैं। इनके फन के पास 2 काले धब्बे बने होते हैं और पीछे त्रिशूल जैसी आकृति बनी होती है। उन्होंने सभी आमजन से अपील की है कि पुलिस मित्र टीम के रेस्क्यूअर की तरह सांपों को पकड़ने की गलती कभी न करें, क्योंकि टीम के जांबाज रेस्क्यूअर पूर्ण प्रशिक्षित हैं। इसी तरह पुष्कर के मुख्य बाजार में गऊघाट के बाहर से चेकर्ड प्रजाति का सांप भी पकड़कर रेस्क्यू किया गया। जी हाँ जी, पुलिस मित्र टीम को फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जो रिटायर्ड आईजी साहब हैं श्री कल्याणमल जी शर्मा साहब, उनके घर पर एक काले रंग का कोबरा सांप देखा गया। और सूचना पर तुरंत पुलिस मित्र के जो रेस्क्यूअर्स हैं वो लोग उनके घर पहुंचे। वह 5.5 फीट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को पकड़ कर सुरक्षित रूप से काबू में किया। साथ ही एक दूसरी घटना जो मुख्य बाजार गऊघाट की है, वहां पर भी एक दुकान के बाहर में एक सांप जो आकर एक छुप गया था, उसे पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर और उसे अपने काबू में किया और दोनों ही सांपों को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। साथ ही सभी जो आमजन है उनसे हमारी टीम अपील करती है कि आप हमारी टीम की तरह अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि पुलिस मित्र जो टीम है ये एक पूर्ण प्रशिक्षित टीम है, वह सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। आप इनकी तरह अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है।